Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is product concept. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट क्या है. प्रोडक्ट डिफरेंट पर्सन के व्यू पॉइंट से डिफरेंट तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हो. कोई उसे बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशन कह सकता है, कोई उसे बंडल ऑफ यूटिलिटीज कह सकता है, कोई उसे टेंजिबल प्रोडक्ट कहता है. और मार्केटिंग के अकॉर्डिंग हम चलें तो जो प्रोडक्ट है वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज जो कंपनी प्रोवाइड करवा रही है कस्टमर को, वो प्रोडक्ट है. अब जो प्रोडक्ट है उसे भी आगे फर्दर डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया जाता है. जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो यूटिलिटी है, वो जो बंडल ऑफ यूटिलिटी है, वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड होती है. कोर लेवल है, जो मेडिटेटेड लेवल है, या आगे और उसके जो फर्दर लेवल्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक प्रोडक्ट को आप सिर्फ वो जो काम कर रहा है उसके अलावा भी जो दूसरी चीजें हैं उसमें ऐड होती हैं. जैसे कि हमने ऊपर भी बात की अपने पिछले चैप्टर में, टॉपिक में, कि जो प्रोडक्ट है उसमें ब्रांड नेम, क्वालिटी, वो भी उतने इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू लिविट, प्रोडक्ट का मतलब है एजुमेंटेड प्रोडक्ट और द एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट अ यूजर ऑब्टेन्स. एजुमेंटेड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? एजुमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है जो प्रोडक्ट है, जब जो बेसिक फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट है, जब आप वो सपोर्ट कर रहे हो आप उसको बाय क्वालिटी, प्राइस, सर्विस, तो वो एजुमेंटेड प्रोडक्ट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक हैवी ड्यूटी डीजल इंजन जो मैन्युफैक्चरर है वो जब अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उस फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा वो उसमें और भी फीचर्स, और भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट पेमेंट फैसिलिटी दे रहा है, या एश्योर्ड मेंटेनेंस, या कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए गारंटी दे रहा है, या परफॉर्मेंस ऑफ इंजन के लिए एक गारंटी दे रहा है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, या टेक्नीशियंस अवेलेबल करवा रहा है कस्टमर को एडवाइस करने के लिए ऑन द इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रेनिंग दे रहा है कस्टमर के एम्प्लॉयज को जो एक्चुअली ऑपरेट करेंगे इंजन को. तो ये सब चीज़ें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो उनको दे रहा है, उसे हम एजुमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं. तो जब एक कस्टमर बाय करता है वो खाली कोर प्रोडक्ट ही बाय नहीं करता, वो साथ एजुमेंटेड प्रोडक्ट भी बाय करता है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट वर्किंग, वारंटी, सर्विस, फाइनेंस एक्सेट्रा जैसे जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे मिल सकते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर थियोडोर लिविट, जो प्रोडक्ट का कंसेप्ट है उसके तीन डायमेंशंस है. पहला है आपका मैनेजीरियल डायमेंशन, दूसरा कंज्यूमर डायमेंशन, और तीसरा सोशल डायमेंशन. मैनेजीरियल डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो टोटल जो प्रोडक्ट जो मार्केटर मार्केट में लेके आ रहा है उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला है कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट में कुछ आइडेंटिफाइबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो उसे दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करता है. और कोर प्रोडक्ट का मतलब वो चीज़ जो कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करेगी. जैसे अगर आप बाथिंग सोप यूज़ कर रहे हो तो मेन पर्पस किसी भी सोप का जो है दैट इज़ क्लीनिंग. तो जो प्रोडक्ट का बेसिक फीचर है वो जो एट्रीब्यूट है उसे हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं. देन नेक्स्ट इज योर रिलेटेड प्रोडक्ट फीचर, जैसे ब्रांड नेम, पैकेज टाइप, सेफ्टी कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें एजुमेंटेड प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाती हैं, जो आप उसके साथ में एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हो, कोर प्रोडक्ट के एडिशन में जो आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हो. देन नेक्स्ट इज रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज, जैसे आप डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, वारंटी सेक्टर जो दे रहे हो. तो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है जो आपने ऑफर करना है कस्टमर को, वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज कंज्यूमर डायमेंशन. एक कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट है वो ग्रुप ऑफ सिम्बल्स हैं. जब एक कंज्यूमर परचेज करता है प्रोडक्ट को तो वो सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि वो क्या कर सकता है उसके लिए, बट इस चीज से भी कंसर्न होता है कि उसका मतलब क्या है कंज्यूमर के लिए. जो प्रोडक्ट है वो मैसेज
एक तरीके से कंज्यूमर को देता है कि क्या क्या बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है जो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से कर सकता है, और उसी बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है ताकि उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो पाए। और ये जो बेनिफिट्स उसे मिल रहे हैं वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं। जैसे सपोज अगर वो एक कार परचेज कर रहा है तो जो कोर उसका फंक्शन है कार का, दैट इज आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो तो वो करेगा ही। साथ में जब आप एक कार परचेज कर रहे हो तो उस कार से आपका स्टेटस भी क्रिएट होता है, आपने कितना आपके पास रिच कितने हो आप, वो चीज़ उस कार से नजर आती है। तो उसकी जो भी स्पीड है या जो भी एक वो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, तो वो चीजें भी साथ में उसके जुड़ती हैं जो कंज्यूमर डायमेंशंस के अंदर आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन जो प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है उसे फुलफिल करनी है एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर्स की। देन नेक्स्ट इज सोशल डायमेंशन। जो ये डायमेंशन है वो ये कहता है कि जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के लिए भी डिजायरेबल होना चाहिए, ना सिर्फ इमीडिएट सेटिस्फेक्शन के लिए। जो लॉन्ग टर्म कंज्यूमर का वेलफेयर है वो उसे भी प्रोडक्ट को फुलफिल करना। वेलफेयर किस फॉर्म में हो सकता है? कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की फॉर्म में हो सकता है, उसे न्यूट्रिशियस ईटेबल्स प्रोवाइड आप करवा रहे हो तो उसकी हेल्थ को भी आप मेंटेन कर पा रहे हो। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो इस तरीके से प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो कि उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं हो रहा है। तो जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो दोनों बेनिफिट्स कस्टमर को देता है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन भी और लॉन्ग रन कंज्यूमर वेलफेयर भी। तो जो एक मार्केटर है उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी फुलफिल करनी है जब वो प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है कंज्यूमर्स को, जैसे सेफ्टी टू कंज्यूमर्स, लॉन्ग रन सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब बेटर एनवायरनमेंट आप दे रहे हो, इको मार्केट प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करवा रहे हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, क्लीन और बेटर एनवायरनमेंट इंश्योर कर रहे हो, कंजर्वेशन एंड बेस्ट यूज़ कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज का फुलफिलमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की रिलेटेड टू प्रोडक्ट कंपोजिशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो कंज्यूमर के फेवर में होगा अगर जो प्रोडक्ट हैं वो ऑफर करेंगे मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर्स। इसीलिए जो आपके बड़े ब्रांड्स हैं जैसे LG, फिलिप्स, टाइटन, मारुति, होंडा, ये इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और इसीलिए ये बाकी जो आपके ब्रांड्स हैं उनसे आगे स्टैंड करते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। एक जो प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट लेवल हो सकते हैं जो पूरे टोटल प्रोडक्ट को बनाते हैं, डिफरेंट उसके सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट है उसे हम तीन लेवल्स में डिवाइड करते हैं, कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट और एजुमेंटेड प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट में कोर बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कि अगर आप सोप यूज कर रहे हो तो सोप का जो बेसिक बेनिफिट है, कोर बेनिफिट है, दैट इज क्लीनिंग। देन एक्चुअल प्रोडक्ट में उसका ब्रांड नेम, डिज़ाइन, क्वालिटी लेवल और पैकेजिंग आ जाती है, और एजुमेंटेड प्रोडक्ट में डिलीवरी एंड क्रेडिट, इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज, वारंटी एक्सेट्रा जो बेनिफिट्स सर्विसेज आप उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन तीनों से कंबाइंड होकर टोटल प्रोडक्ट बनता है। तो कोर प्रोडक्ट जो क्वेश्चन है आंसर करता है कि जो बायर है वो सच में खरीद क्या रहा है। तो जो कोर प्रोडक्ट है वो सेंटर है टोटल प्रोडक्ट का और जो कोर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि जब आप एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, जैसे सोप है, सोप को खरीद रहे हो, तो आपका मेन पर्पस जो है दैट इज क्लीनिंग करना। देन नेक्स्ट जो आपका है दैट इज एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट का मतलब है कि टारगेट मार्केट किसे एक पूरा ऑफर मान रही है जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जब आप एक वॉशिंग मशीन ऑफर कर रहे हो तो जो वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट है एक वो कलेक्शन है ड्रम का, इलेक्ट्रिक मोटर का, स्टील बॉडी, इलेक्ट्रिक फिटिंग, नट एंड बोल्ट्स एक्सेट्रा का, और उसका एक ब्रांड नेम भी है, स्टाइल भी,
होता है, जो प्रोडक्ट है उसका पैकेजिंग भी है, फीचर्स भी है, और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो कोर प्रोडक्ट के साथ आप अटैच करते हैं, जिसे जिससे जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो बनता है। तो जो भी क्वालिटी, फीचर्स, डिज़ाइन, ब्रांड नेम, पैकेजिंग है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसके अंदर कोर प्रोडक्ट आ जाता है, और कोर प्रोडक्ट और एक्चुअल प्रोडक्ट दोनों कंबाइन मिलके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज एजुमेंटेड प्रोडक्ट। एजुमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है जो भी एडिशनल कंज्यूमर सर्विसेज और बेनिफिट्स आप दे रहे हैं। तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है प्रोडक्ट का, और इसमें टोटल बेनिफिट्स जो एक कंज्यूमर रिसीव करेगा या एक्सपीरियंस करेगा प्रोडक्ट को खरीद के, वो इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने बात की कि अगर आप प्रोडक्ट को दे रहे हो और साथ में उसके आप होम डिलीवरी दे रहे हो, फ्री इंस्टॉलेशन गारंटी सर्विस दे रहे हो, तो वो आपके एजुमेंटेड प्रोडक्ट हैं। तो जो एक प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक सिंपल सेट ऑफ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स नहीं है, उससे भी ज़्यादा हैं। उसके अंदर और भी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, सर्विसेज हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं, वो ऐड होते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स दोनों से मिलकर बनता है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।